हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के फर्स्ट वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर एरीज। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी द हॉन्ट गॉड, Five of Pentacles, Four of Wands, Eight of Athems, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, The Battle Wagon, Harvest, Eight of Wands. Okay, Aries, सबसे पहले बीच में है Six of Pentacles। लगता है कि कोई आपकी मदद का इंतजार कर रहा है, किसी को आपकी मदद चाहिए। कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी हेल्प करेंगे। वो परेशानी में हो सकता है, उन्हें लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड जब उन्हें इस सिचुएशन में किसी की याद आ रही है तो वो आप हैं। एंड हो सकता है कि ये पर्सन इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। शायद वो बीमार हो सकते हैं, शायद उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या शायद उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या शायद इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो वो अकेले नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनकी तरफ से है, तो वो चाहते हैं कि आप इसमें एक पार्ट बने और उनकी मदद करें इस प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि और कोई इस सिचुएशन में आपकी उनकी आपसे बेहतर मदद कर सकता है। यहां पे है द हॉन्ट गॉड। द हॉन्ट गॉड के साथ आपका पर्सन आपको एक हीरो की तरह देखता है इस वक्त। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो परफेक्ट हैं, उन्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। एंड आप स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट है, और यही उन्हें चाहिए। लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, आप कुछ रूठे हुए लग रहे हैं उनसे, क्योंकि आप दूर बैठे हुए हैं। शायद फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आपको उनपे डाउट है। हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट भी किया हो पास्ट में, और अगर चीट नहीं भी किया है तो भी उनकी फ्रेंडशिप जो है वो कुछ ज्यादा ही किसी से बढ़ गई है। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर चले गए हैं, एंड अब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, और इसीलिए वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। यहाँ एट ऑफ एथम्स का कार्ड देखिए।
परेशानी में फंसे हुए लग रहे हैं। आप देखें तो चारों तरफ शॉर्ट्स हैं एंड ये पर्सन यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, रास्ता भी नहीं देख सकता एंड हाथ भी इसके बंधे हुए हैं। तो एक तरीके से ये पर्सन इस वक्त लाचार है, वो मदद चाहता है किसी की, इमोशनली बहुत वीक हो चुका है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि फोर ऑफ वांड्स के साथ यहां पे कमिटमेंट है किसी तरीके का। हो सकता है एरीज की इन्होंने आपसे कुछ कमिट किया हो एंड उसे पूरा नहीं कर पाए, वो पुराने दिन वो याद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और से कमिट किया हो एंड अब उन्हें इस चीज का पछतावा है एंड आपका भी गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है उनके इस हरकत पे। सो यहां पे लिटरली बहुत मुश्किल क्रिएट हो गई है इस पर्सन के लिए, इसे पता नहीं कि ये कैसे आपसे अपने लिए मदद मांगे क्योंकि लिटरली ये बहुत बुरे हालात में है। ऐसा लग रहा है कि उनका कर्मा उन पे भारी पड़ा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है एरीज, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप देखना चाहते हैं ईयरली 2021 की रीडिंग या फिर पिछले वीक की रीडिंग, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहां पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है, वेट कर रहा है आपके गुस्से के ठंडे होने का, आपके बॉडी लैंग्वेज के चेंज होने का, आपके वापस आने का, कुछ ऐसा हो जिससे इनको हिम्मत मिले आगे बढ़ने की, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द बैटल वैगन, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये पर्सन बहुत तेजी से अपना रथ दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन को जैसे ही ये चांस मिलेगा, जैसे ही उन्हें ये लगेगा कि आप उन्हें अपने लाइफ में आने देंगे, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है कि कोई चांस मिस नहीं करने वाला। ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें कोई साइन देना चाहते हैं या नहीं, आप उन्हें कोई दूसरा मौका देना चाहते हैं या नहीं एरीज। एंड ये पर्सन अभी भी आपके इंतजार में बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहां पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स की चिंता करने की आपको कोई जरूरत है, थर्ड पार्टी की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, अगर आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है तो, बिकॉज इस पर्सन को आपका ही इंतजार है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका गुस्सा कैसा होता है, अब फायर साइन है और आपका गुस्सा भी फायर ही होता है उनके लिए, टू मच टू हैंडल, उतना वो हैंडल नहीं कर पाते। सो इसीलिए थोड़ा सा संभल के चल रहा है ये पर्सन। यहां पे कार्ड है हार्वेस्ट का, वो आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, अभी भी उन्हें लगता नहीं कि चीजें ओवर हुई हैं, अभी भी उन्हें लगता है कि यहां कोई चांस है, चीजें फिर से बेहतर हो सकती हैं, उन्होंने जितनी कोशिशें की है उनका फल उन्हें जरूर मिलेगा एंड आप उनके पास वापस आएंगे या जब वो आपके पास वापस जाना चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, चूज करेंगे। एंड यहां एट ऑफ वांड्स के साथ ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन भी आपके लिए कार्ड पे है इन द लास्ट एट ऑफ वांड्स। सो एट ऑफ वांड्स के साथ आप में दूसरे लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ना कि सिर्फ ये पर्सन। तो अगर आप सिंगल हैं जनवरी 2021 के वन में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपके लाइफ में आ रहा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसे डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर पाएंगे एंड चीजें आपके लिए ही हैं, सारे चीजें आपके पक्ष में हैं, दूसरे लोग आपका वेट भी कर रहे हैं, नए लोग आ भी रहे हैं, अब ये आपकी चॉइस है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। चलिए देखते हैं मैसेज आपके लिए क्या है ऑरेकल मैसेज एवीज, मैसेज फॉर एवीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। Oracle cards, you are able to discern answers and guidance for yourselves and others. तो यहां पे Oracle card आपको ये कह रहा है
कि आप अपने लिए तो आंसर खोज ही रहे हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं इस वक्त। जैसा कि मैंने कहा, इफ पर्सन को आपकी हेल्प चाहिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ, हो सकता है कि इसको आपकी एडवाइस चाहिए हो, आपकी गाइडेंस चाहिए हो। तो यहाँ पे आप खुद को तो गाइड कर ही रहे हैं एंड दूसरों को हेल्प करने की भी क्षमता आपके अंदर है। तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।